बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खराब फ्लिपलेट एयर कंडीशनर को किस तरह ठीक किया जाता है? खराब एयर कंडीशनर को ठीक करने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एयर कंडीशनर को ऑटोमेटिक करने के लिए एसी किट का इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई कम रेट पे मिल जाती है। इस किट की इस तरफ ब्लोअर मोटर के कनेक्शन है, ये कंप्रेसर रिले के कनेक्शन है, यहाँ पे सप्लाई दी जाती है। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये इसकी एलईडी लाइट है, ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये किट है। ये आसानी से बड़ी आसानी से मिल जाती है किट बाज़ार से। आज का प्रैक्टिकल हम इंतज़ार साहब की शफकत और मेहरबानी से मुकम्मल कर रहे हैं। इसके कनेक्शन अभी करने लगे हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई देनी है। यहाँ से कंप्रेसर में जाएंगे कनेक्शन और यहाँ से ये मीडियम लो मीडियम हाई, ये इंडोर ब्लोअर मोटर के कनेक्शन यहाँ से एक तार जाएगी। अभी हम कनेक्शन करने लगे हैं। आप गौर से देखें कि कितनी देर में इसके कनेक्शन मुकम्मल होते हैं, कितनी देर लगेगी और कितनी देर में ये रिपेयर हो जाता है। इसके यहाँ पे सामने रख के कनेक्शन करने लगा हूँ मैं। आप देखें ये आर्जी तौर पे कनेक्शन है, प्रैक्टिकल के तौर पे समझाने के लिए। आर्जी तौर पे ये हम सप्लाई की तार, ये सप्लाई है, इसकी तार हम एक तार यहाँ पे लगा रहे हैं, दूसरी तार हम रिले में लगा रहे हैं। आउटडोर की तार हम रिले की दूसरी तरफ लगाएंगे, ये रिले की किस कंप्रेसर रिले के साथ लगा रहे हैं। ये इसका फ्यूज है। इनडोर की तार ये इस पे लगा रहे हैं। यहाँ पे लगा दी। अब इसको हम कनेक्शन देंगे, बिजली की सप्लाई देंगे। हमने दे दी। इसको आप चलाने की कोशिश करें। ये हमने ये चलाए, ये बंद हो गया है। ये एसी चला है, ये बंद हो गया है। ये देखें, ये हमने चलाया दोबारा, ये बंद हो गया है। ये चला है, ये बंद हो गया है। ये एक दफा फिर चलाएंगे, ये ब्लोअर चल रही है, इसकी चल रहा है। कम यूनिट के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। आउटडोर की भी कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं।
इतनी देर में हमने किट फिट कर ली। इंतहाई सस्ता, इंतहाई कम वक्त में और इंतहाई आसान सिपलेट यूनिट को ऑटोमेटिक सिस्टम दोबारा ठीक करने का तरीका। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। प्रोग्राम अच्छा लगने पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज़।